तो दोस्तों देर ना करें और हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर तुरंत फोन करें। नंबर है बाबा सैयद जी का, उनका नंबर है +91 9649 170922। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो आपकी हर समस्या का समाधान होती है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चावल के 9 तांत्रिक टोटके जो तुरंत असर दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं चावल के तांत्रिक टोटके तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी, कुछ ऐसे समाधान जो आपकी समस्याओं से जुड़े होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मंत्र और टोटके जो आप चावल के द्वारा कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में चावल को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चावल को पूर्णता का प्रतीक तथा देवताओं का प्रिय भोग माना गया है। केवल धर्म कर्म में ही नहीं, चावल का प्रयोग कई प्रकार के तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। चावल के कुछ आसान से टोटकों को आप करके अपनी सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। आइए जानते हैं चावल के कुछ ऐसे ही बहुत आसान लेकिन तुरंत असर दिखाने वाले टोटके। तो सबसे पहले जानते हैं अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय। दोस्तों सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग की पूजा करें। पूजा में अपने साथ लगभग आधा किलो या एक किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। इसके बाद शिवलिंग की यथासंभव विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बाकी बचे हुए चावल या तो मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा लगातार 5 सोमवार तक करने से घर में अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है। दूसरा उपाय है शत्रुओं को समाप्त करने के लिए। अगर आपके शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं तो ये उपाय आपके लिए है। साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा और वो आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। तीसरा उपाय है अगर नौकरी नहीं मिल रही या फिर आपके ऑफिस में समस्या है। अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं या आपके ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही हैं, मीठे चावल कौओं को खिलाएं, जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। मनचाही मनोकामना पूरी करने के लिए चावल का टोटका। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में पानी भर दें। अब कलश में चावल, दुर्वा और 1 रुपया डालते। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भर के उसे कलश के ऊपर रखें। इसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पितृ दोष दूर करने का उपाय। अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी तोड़ दें। इसे कौओं को खाने के लिए छत पर रख दें। इस उपाय से घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का पितृ दोष हो तो उसका अशुभ असर भी समाप्त हो जाता है, साथ ही रुके हुए काम बनने लगते हैं। कुंडली में चंद्रमा की अशुभता दूर करने का चावल का उपाय। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो या किसी दुष्ट ग्रह के प्रभाव से अपना असर नहीं दे पा रहा हो तो ऐसे आदमी को अपनी माता से एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान लेने चाहिए। इससे हमेशा के लिए चंद्रमा की अशुभता दूर हो जाती है। इसके बाद है दोस्तों मनचाही इच्छा पूरी करने और समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए ये टोटका। इसके लिए आप सुबह किसी शुभ मुहूर्त या पूर्णिमा के दिन चावल को केसर या हल्दी में रंग कर पीला कर लें। ध्यान रखें कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। अब इन चावलों को किसी मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित कर दें और उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अंत में दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा करें चावल से। किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में या फिर पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेकर उसमें पीले चावल के 21 अखंडित यानी कि बिना टूटे फूटे दाने रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी या केसर का प्रयोग करें। अब इन दानों को कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के लिए विधि पूर्वक चौकी बनाएं और उस पर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे चावल के तांत्रिक टोटके जो तुरंत असर दिखाते हैं। आपको ये सारे टोटके एक साथ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक टोटके को करके उसका लाभ उठा सकते हैं।